नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ एक और रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर। हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के अलावा भी स्वास्तिक के चिन्ह का महत्व है। कोई भी मंगल कार्य शुभारंभ करने से पहले हिंदू धर्म में स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के बाद ही मंगल कार्य शुरू किए जाते हैं। लेकिन ये चिन्ह इतना शुभकारी क्यों है और ये असल में क्या दर्शाता है? इस स्वास्तिक चिन्ह का आकार कहां से लिया गया है? और आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही और भी कई आश्चर्यजनक जानकारी दूंगा जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अगर आप एक सनातनी हो तो आपको इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सनातन संस्कृति का परम मंगलकारी चिन्ह स्वास्तिक अपने आप में विलक्षण है। स्वास्तिक का अर्थ सु एवं अस्थि काम मिश्रण योग कहा जाता है। यहाँ सु का अर्थ शुभ है और अस्थि का अर्थ होता है होना। संस्कृत व्याकरण के अनुसार सु एवं अस्थि को जब संयुक्त किया जाता है तो जो नया शब्द बनता है वह है स्वास्ति, अर्थात शुभ हो, कल्याण हो। और स्वास्तिक का अर्थ होता है कल्याण करने वाला। भारतीय संस्कृति में स्वास्तिक चिन्ह को विष्णु, सूर्य, सृष्टि चक्र तथा संपूर्ण ब्रह्मांड और वैकुंठ का प्रतीक माना गया है। कुछ विद्वानों ने इसे गणेश का प्रतीक मानकर इसे प्रथम वंदनीय भी माना है। ये मांगलिक चिन्ह अनादिकाल से संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त रहा है। अत्यंत प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में स्वास्तिक को मंगल प्रतीक माना जाता रहा है। विघ्नहर्ता गणेश की उपासना धन, वैभव और ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी के साथ भी शुभ लाभ, स्वास्तिक तथा बही खाते की पूजा की परंपरा है। इसे भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान प्राप्त है। इसलिए जातक की कुंडली बनाते समय या कोई मंगल व शुभ कार्य करते समय सर्वप्रथम स्वास्तिक को ही अंकित किया जाता है। हिंदू धर्म के अलावा दुनिया के कई कोनों में इसका इस्तेमाल कई हजारों साल से होता रहा है। लेकिन असल में स्वास्तिक का चिन्ह क्या दर्शाता है, इसके पीछे ढेरों तथ्य हैं। और इस वीडियो में आपको स्वास्तिक का मूल अर्थ क्या है इसके बारे में बताएंगे। सांसारिक जीवन में धन और यश कल्याणकारी हो सकता है। शरीर के लिए भोग और सुख कल्याणकारी और मंगलमय हो सकते हैं, लेकिन आत्मा के लिए ये सब कोई मायने नहीं रखते। आत्मा के लिए तो मंगलमय परम धाम है, परमात्मा है। आत्मा के लिए तो कल्याणकारी मोक्ष है और आत्मा को मोक्ष वैकुंठ जाने के बाद ही मिलता है। वैकुंठ में जो आत्मा जाती है वो मोक्ष प्राप्त करती है और वैकुंठ का स्थान भागवत पुराण में ध्रुव तारे में बताया गया है। ध्रुव तारा सप्तऋषि तारामंडल में आया हुआ है और ये सप्तऋषि तारामंडल सबसे रहस्यमयी है। इनमें मसीह 81 नामक सर्पिल गैलेक्सी है जो आकाश में सबसे रोशन गैलेक्सियों में से एक है। इस तारामंडल के क्षेत्र में मेसियो 82 नामक गैलेक्सी भी है जिसे अपने आकार की वजह से सिगार गैलेक्सी भी कहा जाता है। कुल मिलाकर सप्तऋषि तारामंडल में लगभग 50 गैलेक्सियां देखी जा चुकी हैं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैं स्वास्तिक के बारे में बात कर रहा था और फिर कहां गैलेक्सी में पहुंच गया। लेकिन दोस्तों, स्वास्तिक का रहस्य भी इस तारामंडल में ही छिपा है और ये सप्तऋषि तारामंडल और पोल स्टार या ध्रुव तारा दिशा निर्देश के लिए प्राचीन काल से ही बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। रात के समय में अगर आप दिशा भूल जाते हैं और भटक जाते हैं तो आपको आकाश में ध्रुव तारे को ढूंढना पड़ेगा जो उत्तर दिशा को दर्शाता है। और इसी तरह अगर आप इस भवसागर में भटक गए हैं और मंगलकारी और भाग्यकारी वैकुंठ का पता लगाना चाहते हैं तो आपको आकाश में ध्रुव तारे को ही ढूंढना पड़ेगा। और वैकुंठ के इस स्थान पर होने का ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों को था। साथ ही इजिप्ट वासियों को भी मोक्ष प्राप्ति के इस स्थान का सही से ज्ञान था। और इजिप्ट लॉजिस्टिक्स और रिसर्च पिरामिड को क्यों बनाया गया था, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते ढूंढते इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि पिरामिड बनाने का मुख्य उद्देश्य था मोक्ष प्राप्ति, और मोक्ष प्राप्ति करवाने वाला स्थान है ध्रुव तारा। ध्रुव तारे की ओर वैकुंठ है। आप पिरामिड की संरचना को देखिए तो आप देखते हैं किन चैंबर्स में 130 डिग्री एंगल से इस तरह से निकलती है जो सीधे ध्रुव तारे की ओर परफेक्ट जुड़ती है।
इस शास्त्र को बनाने का मकसद था कि उनकी आत्मा को सीधे परम धाम में मोक्ष मिल सके। और ऐसा सिर्फ हम ही नहीं कह रहे हैं, लेकिन जेरेमी मेडलर नाम के इजिप्शियन विशेषज्ञ ने अपनी किताब शैमनिक विजडम इन द पिरामिड टेक्स्ट में इसे विस्तार पूर्वक समझाया है। इससे आप समझ गए होंगे कि प्राचीन काल में ध्रुव तारा और सप्तऋषि तारामंडल कितना महत्वपूर्ण था। अब आकाश में मोक्ष प्रदान करने वाले इस मंगलकारी और सौभाग्यकारी स्थान का पता लगाने के लिए आपको सप्तऋषि तारामंडल और ध्रुव तारे को ढूंढना होगा। और इसे सप्तऋषि तारामंडल को कोई भी आसानी से ढूंढ सकता है। सप्तऋषि तारामंडल 7 ग्रहों का समूह है, और इससे पहले 2 तारों को सीध में देखेंगे तो आपको उसमें ध्रुव तारा दिखाई देगा। और ये सप्तऋषि तारामंडल वर्ष में अलग अलग ऋतु में अलग अलग स्थान पर दिखाई देता है। बसंत ऋतु में यह तारामंडल ध्रुव तारे से ऊपर की ओर दिखाई देता है। शीतकाल में यह तारामंडल ध्रुव तारे से पूर्व की ओर दिखाई देता है। शरद ऋतु में यह तारामंडल ध्रुव तारे से क्षितिज की ओर दिखाई देता है। और ग्रीष्म ऋतु में यह तारामंडल ध्रुव तारे से पश्चिम की ओर दिखाई देता है। अब आप देखेंगे कि ये जो आकृति बन रही है वह स्वास्तिक की बन रही है। अब आपको ये समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी कि स्वास्तिक की 4 भुजाओं को क्यों 4 दिशाओं का रूप माना गया है और स्वास्तिक के केंद्र को क्यों विष्णु भगवान का स्थान बताया जाता है। प्राचीन काल में प्रतीकों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता रहा है, यहां तक कि प्राचीन काल की भाषा लिपि में प्रतीकों से बनी हुई है। और आकाशीय नक्षत्र को भी कई प्रतीकों द्वारा बनाया और माना गया है। इसी तरह स्वास्तिक भी मोक्ष प्रदान करने वाले वैकुंठ का प्रतीक है। भगवान विष्णु और वैकुंठ का प्रतीक होने के कारण स्वास्तिक को परम मंगलकारी और सौभाग्यकारी माना जाता है। अब हम आपको स्वास्तिक के बारे में अन्य प्रकार की व्याख्याएं की गई हैं, उसके बारे में भी बताएंगे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये रेखाएं 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और साम वेद का प्रतीक हैं। कुछ ये भी मानते कि 4 रेखाएं सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों को दिखाती हैं। इसके अलावा इन 4 रेखाओं के 4 पुरुषार्थ, 4 आश्रम, 4 लोक और 4 देवों यानी कि भगवान ब्रह्म, विष्णु, महेश और गणेश से तुलना की गई है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि स्वास्तिक की 4 रेखाओं को भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों के समान माना गया है। फलस्वरूप मध्य में जो मौजूद बिंदु भगवान विष्णु की नाभि है, जिसमें से भगवान ब्रह्म प्रकट होते हैं। स्वास्तिक की 4 रेखाएं एक घड़ी की दिशा में चलती हैं, तो संसार के सही दिशा में चलने का प्रतीक है। हिंदू धर्म के अलावा भी अन्य धर्मों में भी स्वास्तिक का महत्व बताया गया है। बौद्ध धर्म में स्वास्तिक को अच्छे भाग्य का प्रतीक माना गया है। ये भगवान बुद्ध के पद चिन्हों को दिखाता है, इसलिए इसे इतना पवित्र माना जाता है। इतना ही नहीं, स्वास्तिक भगवान बुद्ध के हृदय, पैरों और हथेली को और भी अंकित करता है। जैन धर्म में क्या है स्वास्तिक का महत्व? वैसे तो हिंदू धर्म में स्वास्तिक के प्रयोग के सबसे उच्च माना गया है, लेकिन हिंदू धर्म के जैसा ही स्वास्तिक का महत्व जैन धर्म में भी है। जैन धर्म में 7वें जैन का प्रतीक है, जिसे तीर्थांकर सुपार्श्वनाथ के नाम से जानते हैं। श्वेतांबर जैन स्वास्तिक को अष्ट मंगल का मुख्य प्रतीक मानते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता में भी स्वास्तिक चिन्ह मिले हैं। सिंधु सभ्यता के खुदाई में प्राप्त मुद्रा और बर्तनों में स्वास्तिक का चिन्ह खुदा हुआ मिला है। उधेरी और खंडेरी की गुफाओं में भी स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं। इसके अलावा ऐतिहासिक साक्ष्य जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा संस्कृति, अशोक के शिलालेखों, रामायण, हरिवंश पुराण, महाभारत आदि में स्वास्तिक का अनेकों बार उल्लेख मिलता है। यदि हम देशों की बात करें तो किस किस देश में स्वास्तिक को पूजा जाता है? स्वास्तिक को नेपाल में हेरम, मिस्र में एक्टॉन तथा बर्मा में महाप्रियन्य के नाम से पूजा जाता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के माओरी आदिवासी भी स्वास्तिक की पूजा करते हैं और मंगल प्रतीक के रूप में स्वास्तिक को पूजते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।